हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, पेपर लीक मामले में बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि संजीव चतुर्वेदी के घर से एसटीएफ को मिली है डायरी। अब और राज यहां पर खुल सकेंगे। तो पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में जो है कई और राज अभी खुलने बाकी हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करवाने वाले राज्य लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजय चतुर्वेदी के घर से जो है एक डायरी हाथ लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डायरी में कुछ अभ्यर्थियों के नाम लिखे हैं जिनकी एसटीएफ जांच ऑलरेडी कर रही है। एसटीएफ के अनुसार यह डायरी काफी राज खोल सकती है। इसी डायरी में कुछ ऐसे और भी राज हैं जो कि आने वाले भविष्य में खुल सकते हैं और काफी हड़कंप उत्तराखंड के जो है इतिहास में हो सकती है। इसी डायरी के आधार पर यदि विवेचना आगे बढ़ती है तो टीम जल्द ही और नकलचियों तक पहुंच सकती है। और क्या सफेद पोज इसमें शामिल है, वो व्हाइट एलिफेंट लाइक जो वीडियो में बाहर नहीं आ सके थे, क्या यहां पे आ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। यहां पे आप देख रहे हैं सूत्रों की माने तो पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने उनके घर को खंगाला तो कुछ नकदी और एक डायरी बरामद हुई। इस डायरी में संजीव चतुर्वेदी और उनकी वाइफ रितु ने लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। साथ ही डायरी में कुछ नाम भी लिखे हैं। संभावना जताई जा रही कि ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आरोपियों से जो है पैसे लिए थे। ऐसे में जो है एसटीएफ नकलची अभ्यर्थियों को बुलाकर उनके बयान दर्ज करा सकती है और जल्द ही आपको बहुत बड़ी खबर मिल सकती है। बाकी कोई भी अपडेट आए कि हम रेगुलर आप तक पहुँचाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।